नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले के मेघनाथ घाट पर भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी शामिल हुई। आपको बता दें कि भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक कुक्षी के समीप मां नर्मदा नदी के तट मेघनाथ घाट पर आयोजित की गई। अतिथियों द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रकाश मुखर्जी एवं भारत माता के चित्र पर पूजन एवं दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया गया। जिला कार्य समिति बैठक को केंद्रीय राज्य मंत्री एवं धारबहू लोकसभा की सांसद सावित्री ठाकुर, भाजपा जिला प्रभारी श्याम बंसल, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी ने संबोधित किया। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर महिलाओं को बराबरी का हक दिया है। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। आज जिले की बैठक में यहाँ पे उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी बंसल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति में निर्णय किया गया कि प्रदेश में निर्णय किया गया कि हर जिले स्तर पे सभी कार्यकर्ताओं ने 29 की 29 सीट जो जिताई है उसका आभार कार्यक्रम और जो प्रस्ताव पास किया है उसका धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन करके यहां से वापस उसको देना है। और सभी जिले में पत्रकार वार्ता हुई है, जो हमने जो अब काम किए हैं और आगे हम क्या करने वाले हैं इसके उसमें हमने आज पत्रकार वार्ता की है। पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम आवास योजना, कृषि अवसंरचना निधि, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, नशा मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, इन सब में मध्य प्रदेश अव्वल है।